Brought to you by ITEL Series. ITEL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. हिंदी का बहुत ही अच्छा है। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि पेपर अच्छा गया। और मैथ भी अच्छा था। आसान था या हार्ड था? नहीं, आसान भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है और यहां छात्र आ रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा थी और अब ये ख़त्म हो गई है। हम छात्रों से पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से पेपर आया, क्या क्या सवाल उनसे किए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील जी, किस तरीके का पेपर आया था? पेपर बढ़िया था जी। हाँ, क्या क्या आया, मतलब क्या तैयारी थी? तैयारी हिंदी के सबसे अच्छे थी, मैथ में थोड़ा दिक्कत से थी, लेकिन करे आए बढ़िया। अच्छा, कल भी पूछा था बच्चों से कि किस तरीके का पेपर आया, उसी तरीके से तैयारी की थी आपने? जी हाँ, उसी तरीके से भी तैयारी की थी और पहले भी कर रहे थे। अच्छा, तो बाकी ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया आया, नंबर आ जाएगा, मजे मजा आया, नंबर आ जाएगा। अच्छा, कहाँ तक आप पढ़े हैं वैसे? वैसे मैंने सर बीए भी किया है। हाँ। और आईटीआई भी किया है। आईटीआई भी किया है और सिपाही बनना आए आप? हाँ जी, क्योंकि मारुति सुजुकी में पहले जॉब करता था, तो वहाँ से पूरा हो गया था 5 साल के बाद। तो अच्छा, देख लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। पीछे तो हम यहाँ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से पेपर आया है और क्या कहना है उनका। भाई, क्या नाम है आपका? जी सौरभ कुमार। सौरभ, किस तरीके का पेपर आया, क्या कहना है? पेपर एकदम बढ़िया आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट लेवल है, एकदम बढ़िया, सही है। हाँ, आसान था या हार्ड था? नहीं, आसान भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल है। अच्छा, क्या क्या तैयारी, जो तैयारियाँ थी उसके हिसाब से? हाँ, तैयारी से जो टीचरों ने पढ़ाया, सभी टीचरों ने जो भी पढ़ाया उसी से आया है, ऐसा नहीं कि बाहर से आया है, बट थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे रखे थे। अच्छा, बाकी सही है, बाकी ठीक है। ठीक है, जो व्यवस्था थी इस बार किस तरीके की रही? व्यवस्था बहुत अच्छी है इस बार, प्रशासन ने बहुत अच्छा कर रखा है, सभी चेकिंग वगैरह कोई मतलब फालतू वो नहीं है, ठीक कर रखा है सब। वैसे कितना पढ़े हुए आप, क्या किए? ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ, ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन वाले की? ग्रेजुएशन भी हैं, सभी हैं। अब तो बेरोजगारी है तो सभी को रोजगार चाहिए, तो सभी आ रहे हैं इसमें, तो सभी आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुष्यंत है। दुष्यंत जी, किस तरीके से तैयारियाँ की थी, क्या क्या आया पेपर में? पेपर बढ़िया आया था, पर जो हार्ड भी था थोड़ा बहुत, अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा तो वो अच्छे से कर पाएगा पेपर को। आपने तैयारी की थी? हाँ जी, की थी। तैयारी के हिसाब से आया पेपर? हाँ जी, आया था बिल्कुल, जितना तैयारी करी उतना भी आया, जो आ जाते हैं बाहर से वो नहीं हो पाते, तो थोड़ी सी दिक्कत हो पाती है। तो सिपाही बनने का सपना था या कुछ और भी था? था तो आर्मी में जाने का, पर वहाँ भी कोशिश करी थी, वहाँ भी नहीं हो पाया था, अब पुलिस में कर रहे हैं कोशिश, यहाँ हो जाएगा तो सही रहेगा। सही रहेगा। भाई, क्या नाम है आपका? जी अंकित कश्यप। अंकित, अरे रुक तो जाओ। बस सर, बस, थैंक यू। हम और लोगों से पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से पेपर आया। भाई, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, किस तरीके की तैयारियाँ थी और क्या पेपर आया? पेपर बढ़िया था जी, इजी था। हाँ जी, क्या क्या तैयारियाँ थी? तैयारी सही थी जी, अब देखते आगे। अच्छा, जो आपने कल बच्चों से पूछा था कि किस तरीके का पेपर आया, उसी तरीके से तैयारी की? जी, शाम कल शाम के टाइम का पेपर आसान था। अच्छा जी, तो अभी ये वाला भी आसान है जी। वैसे आप कितना पढ़े में? मैंने तो अभी 6-1 साल से तैयारी कर रहा था। अच्छा, 1 साल से तैयारी कर रहा है। सिपाही बनने का ही सपना था जी। मैडम, मैडम तो मैडम सुनिए, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये पेपर नहीं दिया तो यहाँ सभी छात्र आ रहे हैं और पेपर में किस तरीके से इस बार इन्होंने तैयारियां की थी, हम उनसे पूछ रहे हैं। आइए ज़रा, क्या नाम है आपका? महिमा शर्मा। महिमा, किस तरीके से क्या क्या तैयारी की थी और क्या क्या आया पेपर में? हिंदी का बहुत ही अच्छा है। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि पेपर अच्छा गया। और मैथ भी अच्छा था लगभग। अच्छा, कल बच्चों से पूछा था कि किस तरीके का पेपर आया, उसी से तैयारी की? कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं, वैसे कि सिपाही बनने का ही सपना है आपको? हाँ जी है? जी जी। आपका क्या नाम है? सर राधिका। राधिका, किस तरीके से तैयारियाँ की थी, क्या क्या आया पेपर में? सर सब कुछ अच्छा ही आया, वैसे हमने ज़्यादातर राम मंदिर के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा चर्चा में तो था, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन राम मंदिर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं आया जी, लेकिन वैसे पेपर अच्छा आया है।
चंद्रयान के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो इस बार आया, बाकी दो शिफ्ट में हुआ था, चंद्रयान के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस शिफ्ट में आया है सर। इस शिफ्ट में आया। हाँ जी, इसमें कल बच्चों से बात की थी कि किस तरीके का पेपर आने वाला है? बिल्कुल, मैंने उनका एग्जाम भी देखा था और उनसे बात भी की थी कि कैसा एग्जाम आया है। तो कल के हिसाब से हमारा और आज और भी अच्छा पेपर आया है। आज पेपर जी और तो आप देख सकते हैं कि सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि पेपर जो था वो इजी था। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने ये भी देखा कि जो कल बच्चों का पेपर हुआ था उनसे इन्होंने बात की और उनसे पूछा कि आखिर किस तरीके का पेपर आएगा, और उसी तरीके से इन्होंने तैयारियाँ की हैं। और इन लोगों का सभी का कहना है कि पेपर काफ़ी इजी था। हालांकि दो तीन बच्चे ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि पेपर इजी नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जो छात्र छात्राएं हैं उनका कहना है कि पेपर इजी था और उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की थी वही पेपर में आया है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।